चंबा हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के लोग, यहाँ के झरने, यहाँ के बादल, यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ, सबकी अपनी अपनी अलग अलग खूबसूरती है। चंबा की हवा में एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही राहत है, समय जैसे रुक ही जाता है। तो आइए चलते हैं इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए। हाँ तो भैया सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। तो भाई वीडियो टाइटल से आपको पता चल गया हो कि हम आज करने वाले हैं रोहतक टू चंबा, और अभी मैं हूँ चंबा में। तो आपको ऑफकोर्स पुरानी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है, कहानी जहाँ से शुरू होती है हम आपको वहाँ पहुँचा देते हैं सीधे। मैं भी चलता हूँ। तो भैया ये जो कहानी है वो शुरू होती है यहाँ से। तो अभी हम लोग हैं करनाल में, और करनाल में हमें एक मयूर ढाबा, तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि ये भाई कौन है, तो आपको वो मैं ब्लॉग के आगे के बताऊंगा। तो अभी तो बज चुके हैं सुबह के प्रॉपर 2, और हम लोग आ चुके हैं अपने घर से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर। तो जो भी आपके मन में सवाल है आपको आगे पता चलेंगे। अभी मोटो ब्लॉग करके बता देता, लेकिन अंधेरे में मोटो ब्लॉग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाय द वे अपने भाई का नाम है अजय। तो मैं और अजय निकले हैं भाई चंबा राइड पे। तो बहुत दिन से हमारा प्लान बन रहा था, तो धीरे धीरे जो भी स्टोरी होगी आपको मोटो ब्लॉग के थ्रू सुबह उनके बाद बताएंगे, क्योंकि वही बात, अंधेरे में मोटो ब्लॉग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस अभी हम लोग किलोमीटर खींच रहे हैं, और जो मेरे साथ बाइक है वो है डोमिनार। तो सारी स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन सुबह होने के बाद अभी बस चाय ब्रेक ले रुके थे, चाय पी हम लोगों ने। So, अभी टाइम हो चुका है 7:08 सुबह के, और हम लोगों ने तकरीबन ट्रैवल कर लिया है 301.3 किलोमीटर। अभी जस्ट रिफिलिंग करवाई है हमने यहाँ पे पीछे, और अभी आपको मैं देता हूँ अपडेट्स। तो सबसे पहले करते हैं बाइक की बात। तो भैया जो मेरे साथ भाई हैं अजय, उनकी ये बाइक है, और अजय भाई से मेरी मुलाकात कैसे हुई मैं आपको उसकी भी कहानी बहुत दसता हूँ अभी एक सेकेंड। तो लास्ट ईयर जब मैं लद्दाख करके आ गया था, तब मैं अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए गया हुआ था सर्विस सेंटर में। तो वहाँ पर भाई अपनी डोमिनार की सर्विस करवाने के लिए आए हुए थे। तो तब से ही मतलब हम बहुत गहरे दोस्त बन गए थे उस टाइम से ही। लेकिन एक दिक्कत ये आ रही थी कि भाई कह रहे थे कि यार भाई राइड पे चलेंगे यार कभी साथ में, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी यार बिल्कुल भी। मतलब एक साल हो गया था पोस्टपोन करते करते कि यार चलेंगे, और अजय भाई यार अपना वही है, 2-3 दिन के लिए फ्री रह पाता बेचारा। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि यार चलो टाइम निकाल के एक बार चला जाए, क्योंकि लास्ट ईयर में मतलब मिले थे, और ये जो अजय भाई है मेरे गांव के पास में रहते हैं दूसरे गांव में, तो कुछ इस तरीके से अपना भाईचारा है। तो बस हम लोगों ने प्लान करा कि भाई देख चंबा निकलते हैं। वैसे हम और पहले निकलते हैं, लेकिन यार बारिश ने हमारे प्लान कैंसिल कर रखे थे। अभी भी गूगल मैप पे मैंने गूगल वेदर पे जब मैंने चेक करा कि भैया वेदर कैसा है वहाँ पे, तो हल्की हल्की बारिश बता रहा था। तो यार मेरे से और नहीं रुका गया, मैं यार अब निकलना है तो निकलना ही है बस। तो बस निकल गए, और रात के 12 बजे हम लोग घर से निकले थे। फिर वहाँ से चाय वगैरह पी, जहाँ से हमने आपको कहानी सुनाना शुरू किया, और अब हम लोग हैं यहाँ पर। तो अभी होशियारपुर है यहाँ से 80 किलोमीटर, और पठानकोट है यहाँ से 183 किलोमीटर, फिर पठानकोट के बाद अपना चंबा रह जाएगा खाली 102 किलोमीटर। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं हम लोग दोपहर के 1-2 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। और सच बताऊँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये प्लेटिना क्यों नहीं लाया, तो अगर मैं प्लेटिना लाता तो यार हम थोड़े स्लो आ पाते, जिससे कि प्रॉपर घूम नहीं पाते, और हमारे पास दिन भी वैसे कम है जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया शुरू में। तो इसके लिए अजय ने बोला कि यार डोमिनार पे चलते हैं, खर्चा भी अपना थोड़ा आधा आधा हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बस निकलते हैं अभी चंबा की ओर, और अभी पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं, और कुछ खाना भी है, तो देखते हैं कहाँ कुछ खाएंगे पियेंगे। और जब तक बाइक चल रही है चलने देते हैं, थकान नहीं।
भैया अभी टाइम हो चुका है 7:47, मतलब 8 बज रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं। और सच बताएं तो अभी गर्मी लगनी शुरू हो गई है धीरे धीरे। और अजय भाई का डिसीजन बहुत सही था कि हम लोग रात को निकलें, वरना अगर हम दिन में निकलते भाई तो लिटरली मौत हो जाती कसम से। अभी चाय ऑर्डर करी हम लोगों ने, ये अपनी चाय आ गई और साथ में हल्का फुल्का मटर खाने के लिए, तो मटर और चाय खाते हैं, चाय पीते हैं मटर खाते हैं और निकलते हैं अपने सफर में वापस। देखते हैं कब तक पठानकोट पहुँचते हैं, फिर पठानकोट के बाद चंबा भाई 100 किलोमीटर है, तो वही है। देखो कोई भी डे, मतलब कोई भी राइड होती है तो उसका डे वन हमेशा बोरिंग होता है, क्यों भाई? डे वन में कुछ नहीं होता कि आप उस जगह पर सिर्फ पहुँचते हो, तो ये व्लॉग आपको हल्का बहुत बोरिंग लग रहा होगा, तो भाई उस चीज़ के लिए सॉरी, क्या कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहे हमारे साथ, अच्छा आएगा अपना। हाँ बाकी ब्लॉग अच्छा आएगा, मेहनत तो पूरी चल रही है हमारी। और बीच बीच हम बाइक चेंज भी कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए जाए भाई चला लेते हैं, थोड़ी देर तो मैं चला लेता हूँ, तो हम इस हिसाब से चल रहे हैं बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमको। नींद हल्की बहुत आ रही है तो हम एक जगह रुक जाते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, जैसे अभी रुके हुए हैं, तो बस थोड़ी देर यहाँ पे और बैठते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से भी आगे की तरफ। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 2:32 दोपहर के, और बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। अब उसका रीज़न क्या है आप लोगों को वो भी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि भैया पहाड़ी रास्ते शुरू हो चुके हैं, और मैंने यही कहा था कि जब पहाड़ी रास्ते शुरू होंगे मैं तभी ब्लॉगिंग ऑन करूँगा, और लो भाई साहब। तो अभी हम लोग पठानकोट से निकल रहे हैं। ओके तो हुआ क्या, लास्ट मैंने आपको अपडेट दिया था जब हम लोग चाय पी रहे थे और वो मटर खा रहे थे, तो भैया फिर चाय और मटर खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और अपना सफ़र जारी रखा। अब ये था यार, आप लोग ही बताया कि हमारी नींद पूरी नहीं थी, तो उसकी वजह से यार हम बहुत मुश्किलों से मतलब बाइक चला रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं चला रहा था, फिर अजय भाई चला रहा था, जब दोनों से नहीं हो पा रहा था तब हम किसी ढाबे पर रुक के सो जा रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, मतलब 20-25 मिनट के पावर नैप ले रहे थे। तो जैसे तैसे करके यार मतलब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी पहाड़ों को देख के एनर्जी फिर से बिल्कुल ऐसे फुल। भाई साहब तुम्हें पता है यार कि मतलब जब पहाड़ आ जाते हैं मैं बौखला जाता हूँ, ठीक है, और मैं उस चीज़ के लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो अभी यहाँ से जो चंबा है वो है 105 किलोमीटर दूर, और गूगल एंटी के अकॉर्डिंग हमें लगेंगे 3 घंटे 13 मिनट, क्योंकि अभी आगे सारा पहाड़ी रास्ता है। और भैया सच बताऊँ तो यार गर्मी ने हमें रुला दिया कसम से, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। यहाँ पर आके हम लोगों को थोड़ा सुकून मिला है, और यार मैं जब लद्दाख जा रहा था अपनी प्लैटिना से, सेम यही रूट था, सेम यही रूट, और उस पर यार वापस आके कितनी खुशी हो रही है मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे याद है कि इस मोड़ पे मैं चिल्ला रहा था ओ भाई साहब, अब मैं क्यों चिल्ला रहा था आपको ये मोड़ मुड़ते ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों चिल्ला रहा था। ये देखो भाई सामने पूरा क्या फाड़ू नज़ारा दिख रहा है यार। अब यहाँ से शायद हमें एक शार्प यूटर्न लेना है, कि अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो वह रास्ता जम्मू की तरफ निकल जाएगा, यहाँ से नीचे मुड़ना है शायद हमें। वाह भाई वाह, तो अगर आप लद्दाख जा रहे हो और आप जम्मू साइड जाओगे तो आपको इधर से सीधा जाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ से चंबा जा रहे हो तो आपको इस तरीके से राइट लेना पड़ेगा। और अभी तक हम आपको बता दें हमने 488 किलोमीटर बाइक चला लिया अपने घर से ले कर, तो 400 ये लगा लो 90 किलोमीटर के बाद ये सुख अभी हमें प्राप्त हुआ है, वरना 490 किलोमीटर यार कैसे कटे हैं वो हमें ही पता है। और आप लोग बता दूं मैं चंबा पहली बार जा रहा हूँ। चंबा मेरी बहन गई थी आई थिंक 2 से 3 साल पहले गई थी वो, तो वो फ़ोटो मस्त मस्त खींच के लाई थी यार उधर से, तो मैंने पूछा बहन ये कौन सी जगह रही इतनी मस्त, तब उसने मुझे बताया था कि ये चंबा है, तो इसलिए मैंने ये चंबा राइड प्लान करी, क्योंकि भैया वहाँ पे बहुत मस्त जगह है घूमने के लिए और नज़ारे तो बस क्या कहें। भैया अभी चंबा 41 किलोमीटर है और हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, ये देखो यार
बादल ही बादल भाई साहब, कसम से लग रहा है जैसे हम खारदुंगला चढ़ रहे हैं। कसम से यार, हमें खुद नहीं पता हम कितने नीचे से आ रहे हैं। एक सेकंड, वो आपको पतली सी लाइन दिख रही होगी शायद, वो ये गाड़ी आ रही है, उसके नीचे देखो पतली लाइन पूरी, वहां से हम लोग चढ़े आ रहे हैं भाई साहब। और अभी हम लोग जितना ऊपर चढ़े हैं उतना ही हमको नीचे उतरना है भाई साहब। चंबा 41 किलोमीटर है अभी यहाँ से भाई। कसम से यार, बहुत ही ज्यादा कोहरा हो रहा है, बादल मतलब। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, शकल कह रहा हूँ, शकल के 12 बज गए और भाई साहब मैगी आ गई। एक सेकेंड, तो भाई देखो, देखने वाला एक बात है यार, हम लोग सुबह कहाँ थे और अभी हम शाम तक कहाँ पहुँच गए, है कि नहीं भाई? मतलब हमने रात के 12 बजे हमने शुरू करा था अपनी राइड और अभी हम भाई साहब हिमाचल में बैठे हैं। और चंबा कितने किलोमीटर पड़ रहे हैं से अभी? चंबा कितने किलोमीटर है? 30। तो अभी यहाँ से चंबा 30 किलोमीटर पड़ रहा है और भैया शरीर की बैंड बज गया, मतलब नींद को कंट्रोल करते करते पता नहीं कैसे आ गया यार, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है कि नहीं भाई। बस आ गए ऊपर वाले की दया भाई साहब, और पीछे नज़ारा यार बहुत गजब का है, वो चांद दिख रहा होगा देखो उधर। तो इस व्यू के साथ भाई साहब मैगी खा रहे हैं यार। आज का दिन कसम से बहुत ज़्यादा थक रखे हैं, सबसे पहले जाके नहाएंगे, खाएंगे और फिर सोएंगे भाई साहब, बस है कि नहीं भाई। Okay. और कल घूमेंगे मस्त तरीके से चंबा। Okay. और शक्ल देखो यार दोनों की, 12:01 सारे बज गए भाई साहब जितने बजने थे। सो साहब, तो चलो भाई, अभी तो कह रहे अंधेरा हो रहा है मेरा, बस यार मेरा ऐसी जगहों पे मेरा दिल टूट जाता है कि ऐसी यार मस्त लोकेशंस पे जब लाइट कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं तो आप DSLR को मिस करते, क्योंकि फ़ोन की तरह देखो परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, तो DSLR से आप बढ़िया ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ों में देखो यार मैं DSLR बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। बस ज़्यादा सॉस नहीं, बस ठीक है भैया। तो सॉस डल गया मैगी में, खाते हैं और सीधा रूम पे जाके बात करते हैं, अभी वीडियो बनाने कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बहुत बेकार वीडियो बनेगी, तो सीधा रूम पे मिलते हैं भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो भाई आज है तारीख 13 सितंबर और अभी सुबह के मतलब 9:05 हो चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं चंबा। और भाई कल रात को व्लॉग नहीं कर पाए, कल की स्टोरी आपको बड़ी मस्त आता हूँ, जहाँ पर मैंने व्लॉग में बताया था कि इसके आगे कुछ भी आएगा या फिर हम रूम में जाके बात करेंगे, तो वहाँ से मैंने अपना कैमरा जो था वो मैंने बैक के अंदर रख दिया, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा थे और अगर हम अपना कैमरा और ये फ़ोन वगैरह बाहर रखते तो उसमें थोड़ी नमी आ जाती और दिक्कत हो सकती थी, तो इसलिए हमने अपने सारे सामान को बैग में रख लिया। और चंबा वहाँ से रह रखा था 20 किलोमीटर, और जब 30 किलोमीटर रह रखा था तो वहाँ पर हमने एक जगह पे ब्रेक लिया, मैगी खाई, नज़ारे ले रहे थे और उसके चक्कर में भाई साहब हो गया अंधेरा। अब 30 किलोमीटर तुम्हें अंधेरे में चलाना है, वो भी पहाड़ी रास्तों में, ठीक है भाई, बहुत बड़ा चैलेंज। 15-20 की स्पीड से चलते रहे, उसके बाद बारिश हल्की शुरू हो गई तो भाई इतने ज़्यादा परेशान हुए ना। फिर यहाँ पर आए चंबा सिटी में, जब हम फाइनली आ गए तो भाई साहब इतना गुस्सा है ना, और ओयो वालों पे, ओयो पे मैंने ऑनलाइन अपना रूम बुक करा था, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो होटल के रिसेप्शन पे जो बंदा था हमने उससे कहा भाई ओयो की तरफ से मतलब इससे हमारी बुकिंग है, तो बोला हमारा ओयो के साथ टाइप ख़त्म हो चुका है 2 महीने से। अब यार इतना गुस्सा आया, कस्टमर केयर पे फ़ोन मिला रहे, फ़ोन नहीं लग रहे उनके, यार इतना दिमाग ख़राब हुआ ना। फिर दूसरा एक ओयो देखा, वो सोल्ड आउट हो चुकी उसके सारे रूम। बस फिर क्या था यार, फिर 1 घंटा लगा हमें पूरा चंबा घूम के, हम देख रहे थे यार कि कहीं रूम मिल जाए, बढ़िया रूम मिल जाए। फाइनली एक रूम मिल गया, काम चल रहा है जिससे ठीक ठाक है, अभी उसके पूरे छत पे ही खड़ा हूँ मैं ऊपर। और जब हम लोग पहुँचे थे रात को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या कुछ है, कहाँ पहाड़ और क्या है। और अभी सुबह उठे भाई साहब बहुत ख़तरनाक व्यू यार, देखो इधर से आपको दिख भी रहा होगा। तो भैया बहुत बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा। तो आज पता नहीं कहाँ घूमें, किधर घूमेंगे, तो अभी episode 2 शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ तक तो देख ही चुके हो, अब वेट करो आप episode 2 का, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट से जय हिंद। और भाई साहब घूमते हैं चंबा।